हेलो यूट्यूब, आज जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये वाला, ये डिफरेंट स्टिचेस के साथ बना रही हूँ। ये मैं आप लोगों को फ्लावर बना के दिखाना चाह रही हूँ कि ये हम स्पाइडर वेब के साथ किस तरह से ये फ्लावर्स बना सकते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप स्पाइडर वेब के साथ सिर्फ सर्कल्स ही बना सकते हैं, आप डिफरेंट फ्लावर्स भी बना सकते हैं। ये लेज़ी बुलियन लेज़ी है, ये फ्रेंच नॉट है, ये स्टेम स्टिच है, ये लेज़ी डेज़ी है और ये स्ट्रेट स्टिच है। अब इसके लिए हमें पहले आपको ऐसे ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगाने पड़ेंगे, इतने इतने डिस्टेंस पे ही आपने लगाना है ये। और इसमें किसी भी शेप की पेटल्स हों, फूल किसी भी शेप का हो तो आप बना सकते हैं। अब ये नहीं कि आप सिर्फ गोल इस शेप की ही बना सकते हैं, आप डिफरेंट शेप जो भी आपने आप फ्लावर बना रहे हैं वो हर एक फ्लावर आप इसमें इसके साथ बना सकते हैं। और मैं हमेशा इसे सेंटर से शुरू करती हूँ। ये आपने इसके नीचे से यूँ इस तरह से आप कर लें नीडल को, ताकि वो उसमें से ना निकले। और ये मैं 6 स्ट्रैंड्स ही ले रही हूँ और ये DMC थ्रेड है। ये इस तरह से आपने करना है यूँ, और फिर अगला भी इसके, ये देखिए सेकंड वन भी आपने उसके नीचे से यूँ इस तरह से गुजारना है। जब आप इस तरह से पत्तियां बनाएंगे तो आप बहुत सारे शेड इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक इसकी इस शेड की लाइन, दूसरी डिफरेंट डिफरेंट जितने शेड भी आप चाहें आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए, अब मैंने इसको अब ये मैंने सेंटर में से बनाई है। अगर आप चाहें तो सेंटर इसका किसी और कलर से भी बना सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसे ज़्यादा आपने इस धागे को पुल नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज ये नीचे की तरफ खींच जाएगा। इसी तरह से आप सेंटर में से स्टार्ट करने का ये होता है कि आप इसके ये वाले जो किनारे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसको भी ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना है, अगर आप टाइट कर लेंगे तो उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी फिर। और जैसे आपने स्टार्ट करना है आपने उसी तरीके से जितना आप टाइट कर रहे हैं धागे को उतना ही करेंगे, ये ज़्यादा या कम नहीं करेंगे फिर। अब ये देखें, ये वाली कंप्लीट हो गई है, तो अब हम उसकी तरफ नहीं गए, अब हमने यहाँ से ही उसको मोड़ लिया। और ये हम इसका भी अब लास्ट कर रहे हैं इस साइड का।
अब इसी तरह से आप अब देखें, अगर हम किनारे से स्टार्ट करते एक साइड से तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये सेंटर से शुरू किया है। अब हमें समझ आ रही है साथ साथ कि हमें जो इसकी शेप किस तरह से रखनी है, अदरवाइज हम दोबारा वापस नहीं आ सकते थे। और ये देखें, अब इसकी शेप बिल्कुल इस साइड से बिल्कुल ठीक हो गई, ये देखें आप इस साइड से। अब हम इसकी ये वाली साइड फिल कर लेंगे। अगर आप सिल्क के साथ इसे करना चाह रहे हैं तो ये सिल्क के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास सिल्क का धागा है और आप उसे हैंडल करना आपको आता है, क्योंकि उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सिल्क वाले धागे को, तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से आपने ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको ये बुलियन डेजी बताती हूँ किस तरह से बनाना है। इस तरह से कि ये छोटे छोटे से स्टिच हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। आप कोई भी चीज़ बनाएं उसमें ये वाले इस तरह डिफरेंट से स्टिचेस यूज़ करें तो वो बहुत अच्छी बनती हैं। स्पेशली ये बुलियन डेजी हो गई, वैसे बुलियन नॉट स्टिच हो गया, इसका कुछ छोटा सा उसमें एडिशन कर दें। सिंपल लेजी डेजी की अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें साथ ये बुलियन डेजी बना लें, कोई सिंपल लेजी डेजी का फ्लावर बना लें, कोई बुलियन डेजी का बना लें। क्योंकि ये लेजी डेजी के जो हैं ये बच्चों के कपड़ों के ऊपर बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनके जैसे समर के फ्रॉक्स हैं, ड्रेसेस हैं, उनके ऊपर आप बंचेस की शक्ल में बना सकते हैं। तो उसमें कोई बुलियन वैसे लेजी डेजी का बना लें और कोई बुलियन डेजी का उसमें ऐड कर दें। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस एक स्टिच की करेंगे तो आपसे बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये आप कहीं भी किसी पे भी बना सकते हैं, अपने ड्रेसेस के ऊपर भी बना सकते हैं, फिर अपने स्कार्फ्स के ऊपर भी बना सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, पिलो कुशन्स के ऊपर, कहीं भी।
क्योंकि कोई भी डिज़ाइन जो होता है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता कि आप सिर्फ आप एक ही चीज़ के ऊपर बनाएं और दूसरी के ऊपर नहीं बना सकते, ये कभी भी नहीं होता। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।